वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास, अहम उमूर पर गौर। पाकिस्तान को तमाम बहरानों से निकालेंगे, मुल्क डिफॉल्ट नहीं करेगा। मईशत की बेहतरी के लिए दिन रात कोशां हैं। बजट के हवाले से आने वाली तमाम तजावीज का खैर मकदम करेंगे। IMF मुआहदे के हवाले से हमारी टेक्निकल टीम ने काम मुकम्मल कर लिया। वजीर खजाना इसहाक डार का FBR में बजट तजावीज के हवाले से इजलास से खिताब। जनाज़ीन, अहम तरीन खबर आपसे शेयर करें। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जनूबी वज़ीरिस्तान में खुफिया इतला पर ऑपरेशन किया है। दोनों अतराफ से शदीद फायरिंग का तबादला किया गया है, दहशतगर्दों की तरफ से भी और सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से भी, जिसके नतीजे में 6 दहशतगर्द हलाक हुए हैं और भारी मकदार में असलाह गोला बारूद बरामद किया गया है। हमारे नुमाइंदे आसिम रिजवान इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, मज़ीद तफ़सीलात उनसे मालूम करते हैं। आसिम रिजवान, ज़रा शेयर कीजिएगा ये जो जनूबी वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन किया गया है इस हवाले से। जी बिल्कुल रिजवान, ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने जनूबी वज़ीरिस्तान जिला के जनरल इलाका जो है उसका नवाही इलाका है कोट आजम, वहां पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है। खुफिया मालूमात की बिना पर इतलात थी दहशतगर्दों की मौजूदगी की और इस ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के शदीद तबादले में 6 दहशतगर्द जो है वो मारे गए हैं और मारे जाने वाले दहशतगर्द जो है उनसे हथियार और बारूद जो है वो भी बरामद किया गया है। और ये दहशतगर्द जो है ये सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों में भी मुलव्वस थे। इसके अलावा मासूम शहरियों को अगवा, बराए तावान और उनके कताल में भी जो है वो इन्वॉल्व थे। सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जो है वो इलाके में शुरू कर दिया गया है ताकि अगर कोई बाकी मानदा या कोई बच्चा कुछ दहशतगर्द वहां पर हो तो उसको पकड़ा जा सके और कैफे किरदार तक पहुंचाया जा सके। और इलाके के जो अमायदीन है और जो मकीन है, इलाका मकीन, उन्होंने इस ऑपरेशन को सराहा है और इस अज़्म का भी इजहार किया है कि वो सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ मुकम्मल अपना तावन और हमायत जो है वो जारी रखेंगे ताकि दहशतगर्दी की जो लानत है इसको खत्म किया जा सके और इस सफेद पर जो है वो काबू पाया जा सके। हम रिजवान अपने नाज़रीन को एक बार फिर बताते चलें कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने जनूबी वज़ीरिस्तान जिला के इलाके कोट आजम में खुफिया मालूमात की बिना पर ऑपरेशन किया है और इस IPO में, इस इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 6 दहशतगर्द जो है वो मारे गए हैं और फायरिंग के शदीद तबादले में 6 दहशतगर्दों को जो है सिक्योरिटी फोर्सेज ने कैफे किरदार तक पहुंचाया है और मारे जाने वाले दहशतगर्दों से हथियार और बारूद जो है वो भी बरामद किया गया है। ये दहशतगर्द जो है ये सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाई में मुलव्वस थे। इसके अलावा जो मासूम शहरी हैं उनकी टारगेट किलिंग में और अगवा बराए तावान जो है उसमें भी की कार्रवाई में भी ये दहशतगर्द मुलव्वस थे। इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जो है रिजवान उसका आगाज कर दिया गया है ताकि अगर कोई बाकी मंदा दहशतगर्द, कोई बच्चा कुछ दहशतगर्द इस इलाके में मौजूद हो तो उसको भी अंजाम तक पहुंचाया जा सके। हम अपने नाज़रीन को यहाँ पर ये भी बताते चलें कि जो इलाका मकीन है उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेज के इस ऑपरेशन को सराहा है। उन्होंने पाक फौज को, सिक्योरिटी फोर्सेज को अपनी मुकम्मल तायद और हमायत का जो है वो यकीन दिलाया है ताकि दहशतगर्दी की जो लानत है इसको खत्म किया जा सके। जी बिल्कुल, भरपूर तावुन का भी इजहार किया अहले इलाका ने सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ। बहुत शुक्रिया आसिम रिजवान, आपने तफसीलात शेयर की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जनूबी वज़ीरिस्तान में खुफिया इतला पर ऑपरेशन किया और शदीद फायरिंग का तबादला भी हुआ। फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द मारे गए जबकि मारे जाने वाले दहशतगर्दों के कब्जे से भारी तादाद में असलहा गोला बारूद भी बरामद किया गया है। नाज़रीन, पाक फौज के बहादुर सपूत मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर ने 1971 की जंग में जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए मशरकी पाकिस्तान के इलाके हिले के महाज पर जामे शहादत नोश किया। हमारे नुमाइंदे नईम भट्टी ने उनके भाई हफीजुल्ला मलिक से गुफ्तगू की है। शहीद के भाई के क्या जज्बात है, आइए देखते हैं। मोहिब वतन पाकिस्तानी अपनी मिट्टी की मोहब्बत में शहीद होने वालों से वालेहाना मोहब्बत करते हैं। अभी मेरे साथ मेजर मोहम्मद अकरम शहीद के भाई हफीजुल्ला मलिक इनकी यादगार पर खड़े हैं। यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान के हवाले से उनसे बात करते हैं। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की खातर हमें चाहिए कि नफरतों की सारी दीवारों को ख़त्म करें। वतन अजीज के तमाम शहदा की कुर्बानियों को ना सिर्फ हम याद रखा जाएगा बल्कि उनके तकद्दस और हुरमत पर कभी कोई आँच नहीं आने देंगे। शहदा हमारा सरमाया है। शहदा की कुर्बानियों की वजह से हम चैन और सुकून से आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं। जो कौमें अपने शहदा को भूल जाती हैं उन कौमों का तारीख में कोई नाम लेवा नहीं होता।
जनाजिन लोधरा के मोहल्ला ईसावाला में सिपाही शहबाज अली शहीद ने 20 मई 2021 को बलंगोर ऑपरेशन बलोचिस्तान में वतन की हिफाजत करते हुए जाम शहादत नोश किया। वतन की खातिर जान देने वाले इस बहादुर जवान के घर ले जा रहे हैं लोधरा से हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला टाहा। लोधरा के मोहल्ला ईसावाला के मोहम्मद शहबाज अली शहीद ने 2 अक्टूबर 2019 में पाक फौज के बलोच रेजिमेंट में शमूलियत इख्तियार की। ऑपरेशन एरिया बलंगूर तुर्बत बलोचिस्तान में 20 मई 2021 को दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में वतन की हिफाजत करते हुए सिपाही शहबाज अली शहीद ने अपनी जान का नजराना पेश किया। शहबाज अली मेरा बड़ा बेटा ऐसा था कि उसे बचपन से फौजी बनने का शौक था, बहुत ज़्यादा शौक था। आखिर वो अपने शौक को तकमील करते हुए 12वीं के बाद पाक आर्मी में अपनी मेहनत से अपनी कोशिश से चला गया, तो वर्दी भी पहन ली, उसने अपना मकाम भी हासिल कर लिया। अचानक खबर आई कि आपका बेटा मुल्क के लिए लड़ते हुए कुर्बान हो गया। फिर भी हमने हौसला किया क्योंकि शहादत का रुतबा भी हमने देखना है, उससे आला कोई चीज़ नहीं होती, तो हमने ये कबूल किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। और हम अब भी इरादा रखते हैं और मेरे दोनों बेटे शाहीन अली हसनैन अली भी इतना हौसला रखते हैं कि अपने भाई के नक्शे कदम पर चलते हुए आर्मी की वर्दी के मालिक बने। अली बेटा शहीद थी गे हसनैन शाहीन अली ए हुंदी जगह ते वैसे अंदर मेरी दिल दिखाए पूरी थी सी। इंतहाई मिलनसार बच्चा था और उसने ना सिर्फ दीदा दिलेरी के साथ मुल्क के दुश्मनों के साथ लड़ाई लड़ी बल्कि शहादत का अजीम मर्तबा भी उसे नसीब हुआ। जवां मर्दी और बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश करने वाले और अपने 6 बहन भाइयों से बड़े भाई शहबाज अली की शहादत के दिन इनके माँ बाप शहबाज अली की शादी की बात करने गए हुए थे कि ख़ानदान को बताया गया कि सिपाही शहबाज अली अपने वतन पर कुर्बान हो गया है। पूरी कौम की जानिब से तमाम शहीदों को खराज तहसीन पेश करते हुए योम तकरीम शहदाए पाकिस्तान पर वतन अजीज से तजदीक की जाती है कि इसके तहफ़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। अब्दुल्ला डाहा, पीटीवी न्यूज, लोधरा। 25 मई योम तकरीम शहदाए पाकिस्तान की मुनासिबत से इस्लामाबाद पुलिस का शहदा के खानदानों को खराज तहसीन। इस्लामाबाद पुलिस ने शहदा के खानदानों के जज्बात की अक्कास मुख्तसर फिल्म शहीद की बेटी जारी कर दी है। मैं आपकी मुहाफिज खूने शुहदा की वारिस हूं। सब्ज हिलाली परचम में कफन पोश बाबा मुझ पर बहुत जिम्मेदारियां छोड़ गए, मगर सबसे बड़ी जिम्मेदारी वतनी अजीज का अमन है। रिस्के खाक होने वाले लहू का सदका ये वर्दी है जो मुझे सरबुलंद रखती है। लास्ट पोस्ट की सदा मुझे हमेशा याद दिलाती है कि मैंने इस जमीन के लिए अपना आसमान कुर्बान किया। मैं शहीद की बेटी हूँ। मेरे बच्चों, मेरी सांसों, मेरे दिल के टुकड़ों, देखना हार ना जाना कहीं इन लम्हों से। तुमको उठना है मेरे वतन का बाजू बनकर, पेवस्ता तुमसे है उम्मीद बहारा अपनी। तुम जो उठना और अब जो उठना, अब जो उठना तो चमकती हुई सुबह लाना। मेरे बच्चों, मेरी सांसों, मेरे दिल के टुकड़ों। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि तहरीक इंसाफ ने मुल्क दुश्मनी की सारी हदें पार कर ली। अस्करी तनसीबात पर इमरान खान का हमला आखिरी हरबा था। पार्लियामेंट को एतमाद में लेकर पीटीआई पर पाबंदी का जायजा ले रहे हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं इस बारे में जानते हैं अमाद दीवान की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर दिफा ने कहा कि 9 मई के वाकयात में रियासत की रिट को चैलेंज किया गया, शरपसंदों के घिनौने मकासद थे और अब ये वाजे है कि दहशत गर्दाना कार्रवाइयों की एक साल से मंसूबा बंदी हो रही थी। 9 मई कोई ऐसा कोई बेसाख्ता या स्पॉन्टेनियस बात नहीं थी, ये सारे के सारा एक प्लान के तहत हुआ है। इमरान खान की जो बिल्कुल हर उसका हरबा नाकाम हुआ, वो अजायम जो है हिंदुस्तान के तो हो सकते हैं, वो किसी पाकिस्तानी के नहीं हो सकते।
इस बैकग्राउंड में इसका जायजा जरूर लिया जा रहा है कि पार्टी के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए। अगर ये फैसला किया गया तो पार्लियामेंट से डेफिनेटली रुजू किया जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान के उठाए गए इकदाम से भारत में खुशियां मनाई गई और अब तो उनके अपने लोगों ने एतराफ कर लिया है कि सब कुछ मंसूबा बंदी से हुआ, गलत फैसलों की वजह से आज लोग उनका साथ छोड़ रहे हैं। इन लोगों ने रियासत को चैलेंज किया है, रियासत की असास पे हमला किया है और उन नजरियाती असास पे हमला किया है, हमारी दफाई जो असास है उस पे हमला किया है। कौन सा जुर्म है जो 9 मई को सरजद नहीं हुआ? वजीर दिफा का कहना था कि इमरान खान अपने मकासद में नाकामी पर इदारों के खिलाफ साजिशें करता रहा लेकिन 9 मई के वाकयात ने उसका असल चेहरा बेनकाब कर दिया है। इमाद अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त की समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कहा कि 150 साल अदालती नज़ीरों के मुताबिक नजरसानी दरख्वास्त और अपील के दायरा कार में फ़र्क होता है, नजरसानी दरख्वास्त के दायरा कार पर इलेक्शन कमीशन की दलील मान ली जाए। जनाजिन, कल यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान मनाया जा रहा है। 9 मई का अफसोसनाक सानहा पूरी कौम को जो है वो गम गुस्से में मुबतला कर गया है। कल कोशिश की जाएगी खराज तहसीन पेश करने की अपने तई, पूरी कौम जो है वो यौम तकरीम शहदा भरपूर इज्जत और एहतराम के साथ मना रही है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं फैसल करीम कुंडी साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल करीम कुंडी साहब। वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ में हमें वक्त देने का, हमारे शो का हिस्सा बनने का। सर कल यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान जो है वो मनाया जा रहा है, पूरी कौम जो है वो डेफिनेटली गम गुस्से का शिकार है, ये सानहा ना भूलने वाला है, कम अज़ कम हम अपनी ज़िंदगियों में इस सानहे को 9 मई को नहीं भूल सकते हैं। आप क्या कहते हैं, क्या किया गया उस दिन, कौन सा माइंड सेट है जो ये सब कुछ करवा रहा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, 9 मई को जो वाकया पेश आया है पाकिस्तान की तारीख का एक अख्तरी दिन था। 9 मई को जिस तरीके से सरकारी अमलाक को और फिर आप देखें कि अस्करी जो है तनसीबात को जिस तरीके से निशाना बनाया गया, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। देखें, पॉलिटिकल पार्टीज में मुख्तलिफ जगहों पर डिफरेंसेस चीज़ें होती रहती हैं लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप पता है कि आपको मतलब है कि जिस पार्टी ने काम किया उनको इस चीज़ से मसला क्या था। इमरान खान को अगर गिरफ्तार किया गया था तो इसलिए गिरफ्तार किया गया था कि आपने जिस जो यूके से पाकिस्तान टैक्स पेयर के पैसे थे और वो वापस आए उस पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने किया, उसके बाद अलकादर ट्रस्ट है जो भी एक इशू था उस पर किया था कि आपकी पूछगी। माजी में भी सियासतदानों को पकड़ा गया मुख्तलिफ केसेस में, उस वक्त तो पीटे के लोग जो है वो जश्न मनाते कि यार ये पकड़े गए वो पकड़े गए, लेकिन जो अलकादर ट्रस्ट के इशू पर जब इनसे सवाल किए गए तो उस पर जो है इनको ये हुआ, फिर उन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट में माना कि अगर मुझे गिरफ्तार किया जाएगा तो ऐसे किस्म का रिएक्शन आएगा। ऐसे किस्म का रिएक्शन क्या कि आप अपने पार्टी के वर्करों को, पार्टी के लीडरों को, आपके लीडर जो है वो लोगों को ये कायल कर रहे थे कि आप जाकर जो है वो इस किस्म की हरकत करें। मैं समझता हूँ कि जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए कम है, ये काम तो मुल्क दुश्मन भी नहीं करते जिस तरीके से इन्होंने ये काम किया, और हम इस चीज़ की जितनी भी मजम्मत, हम तो कह रहे हैं इसको जो है इन जो लोग इसके अंदर मुलविस है उनको कैसे किरदार तक पहुंचाए ताकि जो है मुस्तकबिल में ऐसा काम हो। देखें, आज जो हमारे नौजवान सरहदों पे हमारी हिफाजत कर रहे हैं, आज जो नौजवान चेक पोस्टों पे खड़े होकर हमारी हिफाजत कर रहे हैं, आज उनको हम क्या मैसेज दे रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। आज भी आप देखें रोजाना एक वो चल रहा होता है कि जी यहाँ पर जो है मिलिटेंट्स ने हमला कर दिया, वहाँ पर मिलिटेंट्स, और माजी में आप देखें जिस तरीके से स्वात में ऑपरेशन से पहले जो काम हुए थे, आज आप मतलब है कि आप ये काम कर रहे हैं कि आप स्वात में जो है छावनी में लोअर जीर में आप पाकिस्तान का एजेंडा उतार कर जो है वो पीटीआई का एजेंडा लगा रहे हैं, तो आप ये क्या मैसेज लोगों को दे रहे हैं और आप किस किस्म का जो है वो काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है और उन लोगों को बिल्कुल कैसे किरदार तक पहुँच जाए, चाहे वो जो भी हों, चाहे वो पार्टी के वर्कर हों, पार्टी के लीडर हों, जिस लेवल के लीडर हों या वर्कर हों, उनको इसकी सजा मिलनी चाहिए। बिलाशुबा उनको सजा मिलनी चाहिए। फैसल साहब, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रवैया है वो हमारे सामने है, पहले गालम गलोच का एक कल्चर फरोग दिया गया, फिर उसके बाद तशद्दुद की जो कार्रवाइयां 9 मई को हुई, जो वाकयात हुए हमारे सामने हैं, उसके बाद ऑडियो लीक्स के आने का भी एक सिलसिला जारी हुआ, और जो कमल शौजब साहिबा की एक
ताज़ा तरीन ऑडियो सामने आई है उसमें बाकायदा तौर पर सुना जा सकता है वाजह तौर पर कि ख़वातीन को किस तरीके से उकसाया गया कि किस तरीके से हमला करना है, इकट्ठे होकर जाना है। ये वाला जो रवैया है इसको किस तरीके से आप देखते हैं? पाकिस्तान की जो सियासत है, जमहूरी मुल्क की सियासत, पहले भी बहुत सारी सियासी जमातें आमने सामने आती रही हैं, एक दूसरे के जो फैसले हैं या जो भी बातें हैं उनसे उनको इख्तलाफात भी होते रहे हैं, लेकिन इस किस्म का रवैया हमने माजी में नहीं देखा। क्या वजह है कि इस किस्म की सियासत पनप रही है? देखें, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और पीटीआई के एक साबिक सूबाई वजीर ने की, चौहान साहब ने की, और उसने सारा कुछ एक चार्जशीट भी इमरान खान के ऊपर की कि हमारे पार्टी के लीडर ने हमें ये तरगीबें दी कि आप लोगों ने ये काम करना है और आपने ये काम करना है, किसके खिलाफ नारेबाजी करनी है। मैं समझता हूँ कि उनके अपने पार्टी के जो लोग थे उन्होंने खुद बताया कि हमारे पार्टी के लोगों ने किया, और उसके बाद जो उनके पार्टी के बाकी जो लोग इस वक्त पार्टी छोड़ रहे हैं वो बता रहे हैं कि हमारी पार्टी के जो है लीडरशिप ने हमें जो है ये जो है वो बातें बताई कि आपने ये करना है या वो करना है। लिहाजा ये चीज़ें सबके सामने है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने किया है काम, मैं समझता हूँ कि बहुत ही जो है अफसोसनाक अमर है। और दूसरी बात यह कि पहले तो ये कह रहे थे कि हम नहीं थे, फिर मान रहे कि मैं गिरफ्तार हूँगा तो ये रिएक्शन होगा, फिर उसके बाद आर्मी चीफ के खिलाफ स्टेटमेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रीमिसेस में देना, फिर उसके बाद कह रहे थे कि हमारे लोग, पहले मान नहीं रहे थे कि हमने किया है, फिर कह रहे हैं ये हमारे लोग मारे गए हैं। आप मुझे बताएं, मोहतरमा शहीद के ऊपर, बेनज़ीर भुट्टो शहीद के ऊपर जब हमला हुआ कारतास पे, हमारे पार्टी के काफ़ी वर्कर्स, काफ़ी जानिसार और लीडर जो है वो इसमें शहीद हुए, जख्मी हुए। अगले दिन मोहतरमा शहीद ने अस्पताल गई, उन लोगों के घरों में गई, फातेहखाने भी की, उनकी दुआ कुर्सी भी की। मुझे बताएं कि इमरान आज तक घर से निकले अपने पार्टी के वर्करों के लिए? कुंडी साहब, इसी आपके पॉइंट से मैं एक बात आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए पूछना चाह रहा था। सर, ऐसा क्या हो गया इक्तदार से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का? हमने देखा, अगर 90 की दहाई देखी जाए, 10 साल के अरसे में 4 दफ़ा हुकूमतें जो हैं, 2 दफ़ा PMLN की, 2 दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टॉपल की गई, उसके बाद मार्शल्ला का सामना करना पड़ा, मुशर्रफ के मार्शल्ला का, उसके बाद भी हमने देखा कि किस तरह से जो है वो इक्तदार से निकालना और फिर जेलों में जाना, ये तो कहा जाता है कि ये तो झूमर होता है सियासतदान के माथे का। आप देखें सर, खुर्शीद शाह साहब सबसे ज़्यादा 1100 दिन जो है वो जेल में रहे, उसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी साहब ने कई सालों की जेल काटी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अगर देखा जाए तो ख्वाजा साद रफीक, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ, हमजा शहबाज, शहबाज शरीफ, ये सब जेल में रहे। सर, ऐसा क्या हो गया था अगर इक्तदार से आईनी तरीके से तहरीकी अदम एतमाद से निकाला गया, पार्लियामेंट छोड़ दी, इस्तीफे दे दिए, जमान पार्क नो गो एरिया बन गया, अदालतों पर हमले शुरू हो गए और फाइनली जिस दिन गिरफ्तार हुए उस दिन तो ये इतना बड़ा सानहा हो गया, पूरी कौम शर्मिंदा। सर, ऐसा क्या हो गया है, क्या है ये कौन सा माइंड सेट है? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को बिल्कुल, जैसे आपने कहा, आसिफ अली जरदारी साहब को, फरियाल सालपुर साहब को, खुर्शीद शाह साहब को गिरफ्तार किया गया, उन्होंने काफ़ी दिन जो है वो जेलों में गुजारे और फिर उसके बाद जो हमारी जो है वो हमने जमानतों की करवाई। लेकिन बात यह है कि इसी के साथ साथ अगर आप देखें मुस्लिम लीग नून की भी इसी तरीके से लीडरशिप जो है उनको भी गिरफ्तार किया गया, उन्होंने भी जेलें काटी। ये तो 2 दिन जेल नहीं जाते और उसके बाद जो है ना चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है कि जी हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया है। लिहाजा ये चीज़ें देखें, आप मुझे बताएं कि आप कहते हैं हम तो कुर्बानी देने वाले हैं, हम तो इंकलाब लाने वाले लोग हैं, फिर आप 2 दिन भी थानों में नहीं गुजारते। जिस तरीके से भी अगर आप वो है तो ये मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को हम उस वक्त भी कह रहे थे, फरियाल तारपुर साहबा को जिस वक्त जेल शिफ्ट किया जा रहा था उस वक्त उस MS को उन्होंने सस्पेंड किया, ईद की रात जब छुट्टी थी उसको जो है शिफ्ट किया जेल में, तो उस वक्त तो ये लोगों का मजाक, जब मरियम नवाज साहिबा के होटल के दरवाजे तोड़े गए तो उस वक्त तो ये बड़े हंसी मजाक कर रहे थे और वो कर रहे थे, मतलब है कि खुशियां मना रहे थे और फिर कहते थे कि ये लीडर जब पेशे भुगतने आते हैं तो ये व्हील चेयर पे आ जाते हैं, ऑक्सीजन उठा लेते हैं। तो मुझे बताएं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये भी व्हील चेयरों पर आ गए और ऑक्सीजन मास्क पहन कर आ जाते हैं और क्या क्या ड्रामेबाजियां कर रहे होते हैं। तो हम कह रहे थे कि आप बड़ी बोल ना बोलें, ये वही लोग हैं जो कह रहे थे कि जी उस पार्टी सिंध तक महदूद हो गई है और मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब तक महदूद हो गई है, अब तो PTI सिर्फ जमान पार्क तक महदूद हो गई है। किसी दिन आप जमान पार्क से भी सुन लेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी और वो भी शायद जमान पार्क वाले भी जो है वो इनकी पार्टी छोड़ जाएं, कोई नवीद नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से इनकी पार्टी के लोग जिस तरीके से आए थे उस तरीके से जाते हैं। देखिए, एक नजरियाती पार्टी नहीं है, ये जो है एक लोगों का एक टोला इकट्ठा हुआ था और वो इनसे इनको जो है वो अपनी ड्यूटी करके इनसे जा रहे हैं और ये बिल्कुल जो है इसी तरीके से जैसे आए थे उस तरीके से जा रहे हैं, नजरियाती पार्टी होती है जी, बिल्कुल जैसे आए थे उसी तरीके से जो है वो जा रहे हैं।
बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब, आप हमारे शो का हिस्सा बने, आपका बहुत शुक्रिया। जनाज़न फैसल करीम कुंडी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, वज़ीर मुमलिकत तख़फ़ीफ़ ग़ुरबत भी हैं। वो फरमा रहे थे कि मतलब ये तो ऐसा आना जाना और ये चलता रहता है, क्या क्या नहीं हुआ इनके दौरे हुकूमत में, सियासी इंतकाम किया, हर हद को पार किया गया, और जब अपनी बारी आती है और वो भी एक नैब का मुकदमा है उसमें उनको गिरफ़्तार किया गया है, तहकीक में चूँकि तआवुन तफ्तीश में नहीं कर रहे थे इस वजह से, और पूरा मुल्क में आग लगा दी उन्होंने, तो ये रवैया किसी सियासतदान को ज़ेब नहीं देता। बिल्कुल, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे नाज़रीन, और यहाँ आपको बताएं कि कौमी असेंबली की खसूसी कमेटी ने पार्लियामेंट में होने वाली कानून साजी का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट को ना देने का फैसला किया है। पार्लियामेंट हाउस में खसूसी कमेटी का इन कैमरा इजलास असलम भोतानी की सदारत में हुआ। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन कमेटी ने बताया कि कमेटी ने ऑडियो लीक्स के मामले पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब, मियाँ उजैर और अबू जर चद्दड़ को 31 मई को तलब कर लिया है। वो कमेटी में आकर अपना मौकिफ बयान कर सकते हैं। असेंबली के अंदर डिबेट्स हुई थी जिससे ये तासर आया था कि इस रिकॉर्ड को रजिस्ट्रार साहब को नहीं दिया जाए, तो ये कमेटी यूनैनिमसली इज ऑफ द ओपिनियन दैट द व्यूज ऑफ द हाउस मस्ट बी रिस्पेक्टेड। मियां उजैर साहब हैं, चौधरी साहब हैं और नजम साकिब साहब हैं, उनको ये हमने मौका दिया है, और ये रूल 227 जो हमारे असेंबली प्रोसीजर्स हैं उनके मुताबिक वो हमें इख्तियार देता है कमेटी को कि आप किसी को भी नोटिस दे सकते हैं। और यहाँ चूँकि उनका मामला है तो हम ये नहीं चाहते कि वो कल ये कहें कि जी हमें सुना नहीं गया, तो वो आएँ अपना मौकिफ बयान करें। विफाकी हुकूमत ने मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात करने वाले कमीशन को ऑडियोज़ और इनका ट्रांसक्रिप्ट मुहैया कर दिया है। मजाज अफसर के दस्तखत के हमरा मजमू तौर पर 8 ऑडियोज़ और मुतल्लिका अफराद के नाम, ओहदे और राबता नंबर्स मुहैया किए गए रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। जस्टिस काजी फायज इसा की सरबराही में 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन ने पीर के रोज अपने पहले इजलास में अटॉर्नी जनरल से ऑडियोज़ और मुतल्लिका अफराद के हवाले से तमाम तर तफसीलात तलब की थी। जनाज़े यौम तकरीम शहदा कल पूरे इज़्ज़त और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। पूरी कौम जो है वो शहदा की हुरमत, उनकी इज़्ज़त के हवाले से बिल्कुल यकजान है। चंद शरपसंद पूरी कौम की नुमाइंदगी नहीं करते हैं, और सानहा 9 मई जो बिल्कुल ऐसा सानहा है जिस पर पूरी कौम शहदा से शर्मिंदा है, लवाहिकीन से शर्मिंदा है, और अपने आप से भी शर्मिंदा है कि हम शहदा को संभाल नहीं पाए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आप हमारे साथ रहे। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। रिजवान रौनक, नाज़िया कमल और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। देखते रहिए पीटीवी न्यूज़।